नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे बटन को जरूर दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है, कश्मीर में उथल पुथल के बीच राज्यपाल की सफाई, 35A को हटाए जाने की कोई तैयारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार रात को कहा है कि अमरनाथ यात्रा को बीच में रोकने के लिए अन्य मुद्दों के साथ जोड़ करके आवश्यक भय पैदा किया जा रहा है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने तथा अतिशोक्तिपूर्ण अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील करने का अनुरोध किया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर पीपुल मूवमेंट के प्रमुख शाह फैसले और पीपुल कांग्रेस के नेता सजद लेन ने इमरान रज्जा अंसारी को इस प्रतिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्नाव गैंगरेप कांड, एससी के इस वजह से पीड़िता को एम्स लाए जाने के आदेश को किया स्थगित। जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता से जुड़े सड़क घटना के मामले में लखनऊ की एक अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने का अपना आदेश स्थगित कर दिया है और कहा है कि पीड़िता के परिजनों को इस बात की छूट है कि वे जब उचित समझे उसे दिल्ली एम्स में स्थानांतरित कर सकते हैं। पीड़िता के लखनऊ में एक अस्पताल में वेंटिलेटर में रहने के बीच सीबीआई के रायबरेली ने रविवार को ट्रक कार की टक्कर के जांच के लिए अतिरिक्त 20 टीमें भेज दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि भारत ने ठुकराया पाकिस्तान का प्रस्ताव, कहा जाधव को बिना शर्त दे काउंसलर एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के उस शर्तों को ठुकरा दिया है जिसके तहत कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दी जानी थी। पाकिस्तान ने कल कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की बात कही थी, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें रखी गई थी। अब भारत ने उस शर्तों को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रेन में भी कम दामों पर हवाई यात्रा कर सकती है एयर इंडिया, ऑफर इस दिन के लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया के क्षेत्रीय इकाई एयरलाइंस ने अपने पूरे नेटवर्क पर किफायती दरों पर हवाई टिकटों की पेशकश की है। यह कीमत 990 रुपए से शुरू हो रही है और सीमित अवधि के लिए होगी। एयरलाइंस एयर के बयान में जारी में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस बिक्री मेला के तहत रेल किराए से भी कम दाम पर हवाई टिकट उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि ट्रेन के यात्री भी विमान यात्रा कर सके। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एप्पल ने दुनिया भर में सस्पेंड किया सीसी प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने अपने कुछ समय के लिए सीरी की रिकॉर्डिंग को सस्पेंड करने का फैसला किया है। बीते दिनों यह रिपोर्ट आई थी कि सीरी कॉन्सेस में एप्पल के थर्ड पार्टी कंटेक्टर इसमें सुनते हैं। इस पीछे कंपनी ने यह कहा है कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि क्वालिटी कंटेंट में यह किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि टीम इंडिया का कुछ बनने की चाहत पर बोले सौरभ गांगुली। जी हाँ दोस्तों, पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने शुक्रवार को कहा है कि वह भविष्य में भारतीय टीम का कोच बनना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में इस जिम्मेदारी वाले पद के लिए वो इच्छुक नहीं है। भारतीय टीम के लिए नए कोच की खोज की जा रही है क्योंकि वेस्ट इंडीज दौरे के बाद मौजूदा कोच रवि शास्त्री के कार्यकाल पूरा हो जाएगा। गांगुली ने कहा है कि जाहिर है कि वह एक दिन भारतीय टीम का कोच बनना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं क्योंकि उनके पास दूसरी जिम्मेदारियां हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अर्जुन रेड्डी ने ठुकराया करण जौहर का 40 करोड़ का ऑफर, बोले इंटरेस्ट नहीं हूं। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारतीय फिल्मों के नए सुपरस्टार विजय देवकर कोड़ा यानी कि अर्जुन रेड्डी के हीरो ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहद मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर का 40 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया है। करण जौहर ने अपने हालिया रिलीज डियर कॉर्नेट का हिंदी रिमिक्स का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार करण जौहर ने विजय देवकोड़ा को मानने के लिए पूरी तरीके से ताकत लगाई थी, लेकिन वो चाहते थे कि तेलुगु स्टार धर्मा प्रोडक्ट्स के लिए वे बैनर तले अपना बॉलीवुड डेब्यू करें, लेकिन उनकी पूरी मेहनत पर कोई नतीजा नहीं निकला।